स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि DU के एडमिशन चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। और अगर आपने फर्स्ट कट ऑफ के लिए एडमिशन के लिए आपने पेमेंट करी है फीस की, और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट हो गए हैं पर अभी तक फीस पेमेंट नहीं हुई है और दोबारा से वहाँ पे करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ऐसे में क्या करना होगा? आपको सबसे पहले तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या होगा, क्या आपको दोबारा से फीस पे करनी होगी या क्या जो भी करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। और आपको बताना चाहूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं DU से जुड़े अपडेट्स आपको बताता रहता हूँ। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितने भी कॉलेजेस हैं DU के, उन सबके जो हेल्प डेस्क के नंबर हैं, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपको वो नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। और बाकी जो प्रोफाइल का यूज़र नेम है वो आपके सामने है, और आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं पर फीस अभी तक पे नहीं हुई है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, डोंट वरी, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये क्या हुआ है कि अगर आपका अमाउंट, आपका पैसा कट चुका है, डिडक्ट हो चुका है, और पेमेंट अभी भी फेल बता रहा है और पैसा कट गया, तो इसका मतलब ये है कि फीस तो आपकी पे हो गई है पर वेबसाइट पे ज़्यादा प्रेशर है, सर्वर जो है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, सर्वर पर लोड ज़्यादा है, जो इशू है वो वेबसाइट के साथ है। आपने अपना काम कर दिया है, आपकी जो फीस थी वो आपने दे दी, पैसे कट हो चुके हैं, मतलब पैसे जो कट हुए हैं वो DU के अकाउंट में गए हैं पैसे, तो वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी, हो सकता है सर्वर पे ज़्यादा लोड हो, तो आपको वेट करना है। और आपको नोडल ऑफिसर को आप मेल लिख सकते हो, या नोडल ऑफिसर का नंबर अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही हो। और आपको वेट करना है, लास्ट पेमेंट जो फीस की वो 16 तारीख है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, दोबारा से आपको अपना अमाउंट पे नहीं करना, कहीं आपको पता चले कि पैसे कट गए, फीस पेमेंट नहीं हुई, तो आप दोबारा से आप दोबारा से पैसे भरो वहाँ पे फीस, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, वेट करना है। 16 तारीख तक आपका टाइम है, आपका आराम से जो है एडमिशन हो जाएगा, और फीस का जो है वो भी अपडेट हो जाएगा, और आपके पोर्टल पर आ जाएगा कि आपने फीस पे कर दी है और आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको अगर नोडल ऑफिसर के नंबर्स की लिस्ट चाहिए और आपको मेल आईडी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, और हेल्प डेस्क के नंबर भी आप मुझसे ले सकते हो। और आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा।